तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमको अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लो। फॉलो करने के लिए पहले तो आपको अनअकैडमी का एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमको सीधे यहाँ पर इस फॉलो वाले बटन पर दबा करके फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर जो कोर्सेज दिया गया है, यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करके हमारे जो अपलोडेड कोर्स हैं उनको आप देख सकते हो। तो यार जल्दी से जाओ, फॉलो करो और कोर्स का फ़ायदा उठाओ। किसी भी तैयारी के लिए आप अगर SSC बैंक PO कुछ भी कर रहे हो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा करने वाला, तो प्लीज़ जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। तो यार जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एज रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो यार ठीक है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज के इस सेशन में दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा और जो मेरा मकसद है आपको एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ट्रिक के मेथड से नहीं बताऊंगे भाई। ट्रिक के मेथड से एक्चुअली क्या हो जाता है कि कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, और अगर आपके अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक याद करोगे तो मेरा मानना है कि यार वो जो चीज़ें हैं आप भूल जाओगे बहुत जल्दी। और मैं बिल्कुल बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ बताऊंगा, और मैं बिल्कुल 100% लिख के कह सकता हूं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप किसी भी तरह के आयु संबंधी प्रश्न को लगा सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी सर ट्रिक ही बताओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रिक ही बता दूंगा। पर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा और बेसिक मेथड से आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो यार मेरा मानना है कि देखो जो पेपर में आता है आपको वो पढ़ो, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस ईयर से ही लेकर आऊँगा, इधर उधर कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगा, जिससे जो लेवल है वो पता चल सके कि UP SSC में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो यार चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र का पुत्र से 4 गुना बड़ा है। मतलब जो व्यक्ति है, पत्नी है, पुत्र, 3 लोग यहाँ पर है, और यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है। देखो इन क्वेश्चन का फायदा क्या होता है कि आपको सब कुछ दिया गया होता है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पर चलो मैं बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिस्टमेटिक वे क्या होता है। तो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर करना क्या आपको, तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 लोग हैं, आपको पता है भाई, व्यक्ति है, पत्नी है और उसके पुत्र हैं, 3 लोग हैं। तो व्यक्ति जो है, पत्नी जो है और पुत्र जो है, मैंने ABC मान लिया। अब पहला जो कंडीशन है कह रहा है कि जो व्यक्ति है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, यानी कि जो व्यक्ति ए है पत्नी बी से 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बी प्लस 3 कर दिया। कुछ गलत किया क्या मैंने? बिल्कुल गलत नहीं किया। इसी तरह जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, उस पहले कंडीशन में जो दूसरी बात कह रहा है कि जो व्यक्ति है अपने पुत्र का 4 गुना है, तो जो व्यक्ति ए है अपने पुत्र का 4 गुना यानी कि 4C हो गया। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। जो कह रहा था हमने बस वही लिख दिया है और कुछ नया नहीं किया है, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। इसके बाद सेकंड कंडीशन कह रहा है भाई कि जो पुत्र है 3 साल बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि पुत्र की उम्र में 3 साल बाद कह रहा है ना भाई। अगर तुम्हारी उम्र आज 10 साल हो तो 3 साल बाद क्या 13 साल की तो होगी, मतलब 10+3 तो करोगे ना। तो पुत्र अभी 30 वर्ष का है तो 3 साल बाद 30+3 क्या हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद मैंने इसको पक्षांतर कर लिया, नॉर्मल से बीजगणित का पक्षांतर रूल है। तो सी बराबर क्या आ गया, 15 - 3 यानी कि सी बराबर आ गया आपका 12 आ गया। अब क्या करना भाई, जब सी बराबर यानी कि पुत्र की उम्र हमको पता चल गई 12 है, तो हमने समीकरण 2 जो कि हमने ए बराबर 4C माना था, तो ए यानी कि व्यक्ति जो माना था 4C माना था, तो ए बराबर हम 4 × C के स्थान पे 12 यहाँ से रख देंगे। तो ए यानी कि जो पुत्र व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 48 साल आ जाएगी भाई। व्यक्ति की उम्र भी आ गई और क्या बोलते हैं उसकी पुत्र की उम्र भी आ गई 12 वर्ष और 48 वर्ष। अब बचती हैं उनकी पत्नी, तो उनकी पत्नी भाई हमें पता है कि इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, ए बराबर बी प्लस 3 है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया है, ए इज इक्वल टू बी प्लस 3, तो ए के स्थान पर हमने 48 रखा, बी और प्लस 3, तो बी बराबर क्या आ गया 48 - 3 यानी कि बी बराबर आ गया 45 वर्ष। तो यार देखो कितना आसान क्वेश्चन था और बिल्कुल आप बेसिक मेथड से लगा लिए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा होगा बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत चुटकियों में यार 2 मिनट से पहले ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो अगले पार्ट से मैं विद ट्रिक, मतलब ट्रिक वाइज बताऊँगा, ट्रिक के मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊँगा। पर मेरा मान लो मेरी बात मान लो कि ट्रिक आपको ज़्यादा दिन तक फ़ायदा नहीं देने वाली है। बेसिक मेथड सीख जाओगे तो आप ये सोचोगे यार कोई भी तरह के क्वेश्चन आ गया किसी भी लैंग्वेज
लैंग्वेज में आ गया तो आप उनको कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप ट्रिक 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 रटे रहोगे तो अगर उसने थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज कर दिया ना आयु संबंध में, क्योंकि आयु संबंध एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा भी उसने अपना लैंग्वेज चेंज किया तो आप वहीं पर धराशाही हो जाओगे और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो नहीं क्लियर है तो वहीं पर आप क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे। तो चलो यार आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, और क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर दो हमारा है कि 5 वर्ष पूर्व अशोक की जो माँ है उनकी, अशोक की जो माँ की आयु है अशोक की आयु से 3 गुनी थी। तो दो कंडीशन दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व का दिया गया है और 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु में दुगनी बड़ी हो जाएंगी। तो यार एक चीज़ ध्यान रखना कि दो लोगों में अगर एक माँ है एक पुत्र है तो हमेशा माँ ही बड़ी होगी, पुत्र कभी बड़ा नहीं होगा, आपको ये चीज़ तो ध्यान रहेगी ना। और 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो जब भी हम पूर्व जाते हैं तो भाई जो मेरी आज की उम्र है उसमें से उतना वर्ष घटा दे, जैसे आज मेरी उम्र अगर 23 साल है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी 18 साल हो जाएगी, मतलब 23 माइनस हमने क्या कर दिया 5 कर दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन देखो कुछ इस तरह दिया है कि मैंने मान लिया कि अशोक की जो उम्र है वो एक्स है और उसकी माँ की उम्र क्या मान लिया हमने वाई मान लिया। क्या किया भाई, जैसे मैथ में माना जाता है वैसे मान लिया है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जो अशोक होगा वो एक्स अभी है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अगर उसकी माँ की बात करें तो अभी 5 वाई है तो 5 साल पहले वाई माइनस 5 हो जाएगा। तो मैंने एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो अशोक की माँ यानी कि वाई माइनस जो 5 है वो अशोक की उम्र की, 5 साल पहले की बात कर रहा है, अशोक की माँ जो है 5 साल पहले अशोक की उम्र यानी कि x माइनस 5 की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, x y माइनस 5 बराबर ये 3x माइनस 5 कर दिया। कुछ गलत किया नहीं किया ना। अब मैंने इसको ओपन कर दिया भाई, 3x माइनस 15 इक्वल टू y माइनस 5, 3x माइनस 15 इक्वल टू y माइनस 5। अब 3x इस y को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ y प्लस में है तो इधर आएगा क्या 3x माइनस y हो जाएगा। इसी तरह इस 15 को अगर उस साइड भेजेंगे तो हमारा जब 15 इस साइड आएगा तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस में हो गया। तो हमारा जो समीकरण एक बन गया वो क्या बन गया 3x माइनस y बराबर 10। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो 5 वर्ष बाद जो अशोक होगा वो एक्स प्लस 5 हो जाएगा और जो उसकी माँ होगी वो y प्लस 5 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जो उसकी माँ है यानी कि उसकी जो माँ y प्लस 5 है अशोक की उम्र की 2 गुनी बड़ी हो जाती है, यानी कि अशोक की जो उम्र है x प्लस 5 उसका 2 गुना यानी कि 2 गुणे x प्लस 5 हो गया। अब हमने इसी को ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 का गुणा x में किया 2x और 2 का गुणा 5 में किया 2 × 5 = 10 बराबर y प्लस 5। अब y को हम इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ y प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस y, और जब 10 को इधर भेजेंगे तो 5 - 10 और 5 में से 10 घटाओ क्या था भाई माइनस 5 ही तो आएगा भाई, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमेशा माइनस में वैल्यू आती है, तो 5 में से 10 घटाओ तो 5 आ जाएगा माइनस 5। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर भाई 2। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट जो कि 3x माइनस वाई था और इक्वेशन सेकंड जो हमारा 2x माइनस वाई था हमने एक साथ लिख लिया, जैसा कि हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं, विलोपन विधि इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 को एक साथ लिख लिया और वाई काट दिया, क्योंकि वाई और वाई बराबर है। काटा कैसे, देखो जब काटने का रूल क्या होता है, यहाँ पर हमने प्लस लगाया, यहाँ जो चिन्ह होता है माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो ये कट गया और 3x माइनस 2x बराबर हो गया x और 10 और 5 क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस हो गया तो 10 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि जो अशोक की उम्र हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि हमने देखिए ध्यान से अशोक को एक्स माना हुआ था और हमारा यहाँ पर यक्स निकल के आ चुका है, यक्स कितना आया भाई यक्स 15 आ चुका है, तो आपका 15 सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अशोक की माँ की उम्र पूछी होती तो यहाँ पर चाहे इक्वेशन 1 उठाते या इक्वेशन 2 उठाते, तो यानी मैंने इक्वेशन 1 उठाया है, इक्वेशन 1 में मैंने एक्स का मान रख दिया है तो 3 × 15 - y बराबर 10, 3 × 15 बराबर होता है 45, 45 - y बराबर 10, तो y बराबर 45 और माइनस 10, तो 45 - 10 क्या हो जाएगा 35, यानी कि उसकी मम्मी की जो उम्र, उसकी माँ की जो उम्र होगी वो 35 वर्ष हो जाएगी। तो ये रहे दोस्तों आज के 2 क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्नों से। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ कमी लगती है, आप कुछ और सीखना चाहते हैं इसमें, या अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लगते हैं कि UP SSC में ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसको हमें सेंड कर सकते हैं, वो मैं सोल्यूशन अपने वीडियो में बता दूंगा। तो यार बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हाँ अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।